कि अस्पताल लगातार विवादों में रहता है। नया विवाद आज फिर जुड़ गया, उसने दीपावली के अवसर पर अपने कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं बांटी, जिसके बाद आक्रोशित कर्मचारी धरने पर बैठ गए। मथुरा का नयति हॉस्पिटल हर बार चर्चाओं की सुर्खियों में आता रहा है। आज भी एक मामला सामने आया है। नयति हॉस्पिटल मथुरा से यहां वर्करों को पिछले कुछ महीनों से सैलरी नहीं दी जा रही है, जिसको लेकर वर्करों को सैलरी न मिलने पर वर्करों में काफी आक्रोश है और हॉस्पिटल पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हॉस्पिटल वर्करों ने आरोप लगाया है कि उनको सैलरी नहीं दी जा रही है और लगातार उनको धमकाया जा रहा है। धमकी में आप कुछ भी कर लो, शासन प्रशासन हमारे साथ है, इस तरह की लगातार धमकियां दी जा रही है। नयति हॉस्पिटल में जितेंद्र कुमार भाटी ओडी इंचार्ज थे। नयति हॉस्पिटल पर आरोप लगाया है कि उनकी तनख्वाह साल भर से नहीं दी जा रही है और 6 महीने से आश्वासन दिया जा रहा है और 4 साल से यह सैलरी पीएफ काट रहे हैं और उसके बाद भी हमारे खाते से पीएफ काटा जा रहा है। यह उस पीएफ को जमा नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम यहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी, इसी प्रकार हम धरना प्रदर्शन करेंगे और लगातार हमें यहां की मैनेजमेंट कंपनियां धमका रही है। यह मथुरा का चर्चित नयति हॉस्पिटल मरीजों को लेकर काफी सुर्खियों में रहा है। कारण, मरीजों की शिकायतें आ रही हैं कि हद से ज्यादा बिल बनाना, अगर उनकी कोई भरपाई नहीं करता है तो उसकी बॉडी को परिजनों को नहीं सौंपा जाता है। नयति हॉस्पिटल पर मथुरा प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं होती है। अमित अग्रवाल, मथुरा, समाचार 24। सैलरी के लिए, सैलरी का इशू है। मैं योगेश कुमार शर्मा, ओटी टेक्नीशियन, नयति हॉस्पिटल। आपकी सैलरी कितने महीने की है? सैलरी हमारी 4-5 महीने की है, इशू चल रहा है वो कई सालों से। अच्छा, इनका क्या कहना है सैलरी देने की? इनका कहना है कि सैलरी के लिए अनुशासन देते हैं कि आ जाएगी, कल आएगी, अगले महीने आ जाएगी, ऐसा अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। सैलरी शिकायत नहीं की अभी तक? शिकायत के लिए हम बोलते हैं, मैनेजमेंट से ही बोल रखा है, हमारी सुन रही है भाई, यही बोल देते हैं आपकी कल आ जाएगी, अगले सप्ताह आ जाएगी, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और हमने कोरोना में 24 ड्यूटी करी है। और कितने लोगों की सैलरी रुकी हुई है? सैलरी तो हमारे ओटी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिस्टर जितेंद्र भाटी है और मैं यहाँ पे ओटी इंचार्ज पद पे काम कर रहा हूँ और ये सभी मेरे साथीगण ओटी के। एक्चुअली मैं हमें यहाँ पे कम से कम हम साल भर से जूझ रहे हैं पेमेंट के लिए। सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि 6 महीने से हमें ये आश्वासन दिया जा रहा है कि अगले महीने में क्लियर हो जाएगी, अगले महीने में क्लियर हो जाएगी, अगस्त में हो जाएगी, अक्टूबर में हो जाएगी, बट अभी तक कोई भी हमारी पेमेंट क्लियर नहीं हो पाई है। अब सुनील जैकब हमें बार बार समय देता रहता है परंतु हमारी कोई भी सैलरी नहीं आ पा रही है। और कितने महीने की सैलरी रुकी हुई है? हमारा कम से कम सर 6 महीने की सैलरी रुकी हुई है। इनका क्या आश्वासन है सैलरी देने का? आश्वासन यही देते रहते हैं कि अगले महीने आ जाएगी, उससे अगले महीने आ जाएगी। और अब कहा था कि दिवाली से 10-5 दिन।